स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं आपके लिए वर्कशीट सॉल्यूशन क्लास 6 to 8 का। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये 22 अगस्त की वर्कशीट है, आप देख रहे हैं, ये 22 अगस्त की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 42। ये मैथ्स की वर्कशीट है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। विद द कमिंग ऑफ मानसून, यानी मानसून के आते ही, यानी बरसात के आते ही, हम वी हैव अ गॉट अ बिग रिलीफ फ्रॉम समर हीट एंड देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर। हमें गर्मी से छुटकारा पाते हैं, हम गर्मी से बच जाते हैं और हम ग्रीनरी यानी घास वास हर जगह फैली रहती है। विच सूद द आइज, हमें इतना अच्छी, हमें एकदम खुशी सब महसूस होता है। वी हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रिकॉशन एज मानसून ब्रिंग मैनी वाटर बॉर्न डिजीज अदर लाइक डेंगू टाइफाइड मलेरिया एट्सेट्रा। हमें इस जब हम मानसून आता है तो हम प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मानसून में बारिश होती है और बारिश हम वाटर बॉर्न डिजीज लाइक डेंगू लाती है, चिकनगुनिया टाइफाइड मलेरिया डायरिया ये सब डिसीज लाती है। तो हमने कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं वर्कशीट में। प्रिकॉशन विच वी यूजली टेक आर, मतलब प्रिकॉशन जो हम हमेशा लेते हैं, वी ब्रिंग बॉइल्ड वाटर, हम गर्म पानी पीते हैं। वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, यानी हम गर्म पानी पीते हैं। एंड वी डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर, और हमें कूलर्स में पानी कलेक्ट नहीं करने देना है। ओल्ड टायर्स होते हैं जो हमारे साइकिल वगैरह के टायर्स होते हैं, कार के टायर्स होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो। और हमारे छत पे वाटर टैंक्स होते हैं, जैसे टंकी होती है लोगों के घर में, उनमें हमें पानी कलेक्ट नहीं करने देते। लेट्स टेक अ डाटा ऑफ अ टाउन फॉर अ स्पेसिफिक वीक, एक टाउन का यानी एक शहर का एक डाटा लेते हैं हम एक वीक का, इस वीक का ही है ये। तो इस डेटा में बता रखा है ये डिसीज़ है फर्स्टली, फिर है पेशेंट, पेशेंट यानी मरीज, डिसीज़ यानी बीमारियां। तो डिसीज़ यहाँ पे बताई है, सारी डिसीज़ है ये, और ये पेशेंट कितने इन डिसीज से संक्रमित हुए हैं। तो डिसीज़ सबसे पहले डेंगू, डेंगू के कितने पेशेंट हैं, 86। एंड फिर मलेरिया, मलेरिया के 122। फिर है टाइफाइड, टाइफाइड के है 231। फिर है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया के कितने हैं, 95। फीवर, फिर फीवर है यानी बुखार, बुखार के 452। फिर है डायरिया, डायरिया ये पानी का होता है, अब एक बीमारी होती है, इसके 385 है। और फिर है कफ एंड कोल्ड, अभी कफ एंड कोल्ड तो बहुत लोगों को हो रहा है कोरोना के कारण, तो उसके सबसे ज़्यादा मरीज है 543। तो ये आपको पूरा दिख गया, ये पूरी टेबल आपको अपनी नोटबुक में ऐसी बनानी है। देखते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम द डिसीज शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो कौन सा डिसीज है जो सबसे ज़्यादा है, तो हम देखेंगे 86 से बड़ा 95 भी है, 95 से बड़ा 121, 231 भी बड़ा है, 452 भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा हमें दिख रहा है कफ एंड कोल्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम द डिसीज शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इज कफ एंड कोल्ड। आपको यहाँ पे लिखना है कफ एंड कोल्ड। ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कफ एंड कोल्ड, आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड है नेम द डिसीज शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट, लीस्ट मतलब सबसे, मतलब नीचे सबसे कम। तो सेकेंड क्वेश्चन में लीस्ट नंबर किसका है, आप देख सकते हैं डेंगू का सबसे लीस्ट नंबर है, क्योंकि 86 से नीचे तो कुछ है नहीं, तो सबसे कम लिखेंगे हम वहाँ पे डेंगू, टी ई एन जी यू ई डेंगू। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में था कफ एंड कोल्ड, सेकंड में है डेंगू, तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट आर द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट। अब इसमें देखेंगे मलेरिया क्या है,
तो हम देखेंगे द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट इज 122। आप देख रहे हैं मलेरिया पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मलेरिया लिखा है तो उसका आएगा आंसर 122। तो यहाँ पे आपको लिखना है 122। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, आपको यही लिखना है, ये एकदम राइट आंसर्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हाउ मैनी पेशेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है कि हाउ मैनी पेशेंट ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर। तो डायरिया और चिकनगुनिया के पेशेंट को मिला के कितने पेशेंट होंगे टोटल, तो आपको इसका आंसर बताना है। पहले हम टेबल पे देखते हैं डायरिया के मरीज कितने हैं, तो हम देखते हैं डायरिया के मरीज हैं 385। यहाँ हम लिख लेते हैं 385, एंड फिर चिकनगुनिया के मरीज कितने हैं 95। तो दोनों को प्लस करेंगे हम एक साथ, तो कितना आएगा आंसर देखते हैं हम, 5 + 5 = 10 और 9 and 80 यहाँ पे 480। तो दोनों के मरीज को मिला के आंसर आएगा आपका 480। समझ गए बेटा? तो आपको फोर्थ क्वेश्चन के आंसर मिल गए, द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर इज 480। तो ये आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट अदर प्रिकॉशन शुड वी टेक ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। हम देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ प्रिकॉशंस ऊपर भी पढ़े थे, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिकॉशंस कौन कौन से आपको मॉनसून में और लेने चाहिए, मॉनसून सीजन में आपको और कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो हम पहले ऊपर की प्रिकॉशन देखते हैं, यहाँ पे कहे थे हमें दो प्रिकॉशन आपको और प्रिकॉशन लेने, मैं आपको उसका आंसर दिखाती हूँ। आप अलग अलग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे आप फुल स्लीव के कपड़े पहन सकते हैं, एंड आप बाहर और आप मच्छर का मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बेड के पास मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट आप कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दे, हमें हर हफ्ते अपने हर जगह देखना है कि पानी कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रहा, तो हमें ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं आपको इसका राइट आंसर दिखा देती हूँ, ये हमारा आंसर नंबर फिफ्थ है, अवॉइड गेटिंग वेट क्लोथ्स। आपको लिखना है अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन्स। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन द मॉनसून सीजन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आधी लाइन लिखनी है, फिर आपको फर्स्ट पॉइंट डाल के आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट लिखना है अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन्स, यानी बारिश में भीगने से बचें। सेकंड हो जाएगा आपका ये वेयर फुल स्लीव शर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया फुल स्लीव के शर्ट्स पहने, एंड पैंट एंड सॉक वाइल गोइंग टू स्लीप। और आपको फुल स्लीव जैसे पैंट पहन देना आप फुल की, एंड सॉक्स भी पहन के आपको सोने जाना है, तो आपको पैंट एंड सॉक्स पहन के जाना है। थर्ड है यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट ऑन द बॉडी, मॉस्किटो रिपेलेंट आपको यूज़ करना है अपनी बॉडी पे, जैसे मैंने बताया आप सोते वक्त मॉस्किटो नेट भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है अवॉइड ईटिंग रॉ फूड्स ड्यूरिंग मानसून, आपको रॉ यानी कच्चा खाना, आपको कच्चे खाने यानी कच्चा माल होता है, कच्चा खाना होता है, कच्ची सब्जियाँ खाने से आपको रुकना है। आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, मैं एक बार आपको अच्छे से आंसर दिखा देती हूँ, आपको पूरा अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल को आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको मैं अपना नाम बता देती हूँ, मेरा नाम सुहाना है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, आपने अगर आप पहले की कोई भी वर्कशीट नहीं करी, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको कोई भी वर्कशीट्स लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में देख ले, मैं आपको लिंक डाल दूंगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ ले इस वर्कशीट से रिलेटेड, और पहले की वर्कशीट से भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको हमें पूछना है। चलिए आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट ज़रूर करना जो भी डाउट हो आपको। ठीक है बच्चों, बाय।